बच्चों, आज एक्ट वन सीन वन करेंगे हम मर्चेंट ऑफ वेनिस का। ये ओपनिंग सीन है और ओपनिंग सीन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है किसी भी प्ले में। वो हमें कैरेक्टर्स के बारे में बताता है, वो हमें मेन स्टोरी के बारे में बताता है। तो अब ओपनिंग सीन शुरू करते हैं। ये वेनिस का है और इसमें एक स्ट्रीट का सीन है। ये एंटोनियो, सेलेरिनो और सोलेनियो एंटर करते हैं। एंटोनियो, इन सूद आई नो नोट वाई आई एम सो सैड। इट वेरीज मी, यू से इट वेरीज यू, बट हाउ आई कॉट इट, फाउंड इट एंड केम बाय इट, वाट स्टफ इट इज मेड ऑफ, वेयर ऑफ इट इज बोर्न, आई एम टू लर्न। यहाँ पर वो अपने स्वभाव के बारे में बताता है। इन सूद मीन्स इन ट्रुथ, यानी सच में मुझे नहीं पता कि मैं इतना सैड क्यों रहता हूँ। इट वेरीज मी, ये मुझे परेशान करती है उदासी। यू सेज इट वेरीज यू, तुम कहते हो तुम्हें भी परेशान करती है। बट हाउ आई कॉट इट, कैसे ये मुझे मिली। फाउंड इट, कहाँ मिली। केम बाई इट, कैसे मेरे पास आई। वाट स्टफ इट इज़ मेड ऑफ, किस स्टफ की बनी हुई है। वेयर ऑफ इट इज़ बोर्न, कहाँ पर पैदा हुई। आई एम टू लर्न, मुझे जानना है, यानी कि अपनी उदासी का कारण उसे नहीं पता। समझ में आ रहा है बच्चों, वो उदास है। और देखो यहाँ पर स्ट्रीट का सीन है, यानी कि वहाँ पर लॉकडाउन भी नहीं है, वो घर के अंदर कैद भी नहीं है, फिर भी वो उदास है। इसके अलावा यहाँ पर देखो बच्चों, मैं तुम्हें यहाँ पर मेन लाइंस पढ़ाऊँगी, इम्पॉर्टेंट हैं, जो उसके कैरेक्टर के बारे में। यहाँ पर ये लाइन है, हमें एंटोनियो के कैरेक्टर के बारे में बता रही हैं कि वो उदास रहता है और उसकी उदासी बिना किसी कारण के है। कोई कारण भी नहीं है उसके पास उदास रहने का। सेलेरिनो जो उसका दोस्त है, वो उसे कहता है, योर माइंड इज़ टोसिंग ऑन द ओशन, देयर वेयर योर आर्गोजीज वर पोर्टली सेल। कारण बताना चाहता है कि तुम्हारा माइंड टॉस कर रहा है ओशन पर, समुद्र पर, क्योंकि उसके जहाज गए हुए। यहाँ पर हमें इस बात का पता चलता है कि एंटोनियो के जहाज इस समय समुद्र पर हैं, जहाँ पर वो, इसलिए वो टॉस कर रहा है, यानी उसका जो पूरा ध्यान है वो समुद्र पर ही रहता है कि वहाँ पर कुछ अनहोनी ना हो जाए, इसीलिए शायद वो उदास है। सेलेरिनो भी उसकी हाँ में हाँ मिलाता है, बिलीव मी सर दैट हैड आई सच वेंचर्स फोर्थ, द बेटर पार्ट ऑफ माई अफेक्शन वुड बी विद माई होप एब्रॉड। यानी अगर मेरे साथ ऐसा होता, मेरे वेंचर्स बाहर होते, समुद्र पर होते, तो मेरे विचार भी इसी तरह से होते। आई शुड बी स्टिल प्लकिंग द ग्रास टू नो वेयर सिट्स द विंड। मैं एक घास का तिनका उठाकर भी ये देखने की कोशिश करता कि हवा किस तरफ चल रही है। पियरिंग मैप्स फॉर पोर्ट्स एंड पियर्स एंड रोड्स एंड एवरी ऑब्जेक्ट दैट माइट मेक मी फियर मिसफॉर्चून टू माई वेंचर्स आउट ऑफ डाउट। यानी हर उस चीज़ के बारे में जानने की कोशिश करता है जहाँ मुझे ज़रा सा भी डाउट होता कि मेरे जो वेंचर्स हैं, मेरी जो सारी जमा पूंजी लगी हुई है, उन पर अगर ज़रा सा भी खतरा है तो। इस तरह से हमें पता चलता है कि एंटोनियो के जो जहाज़ हैं वो बाहर गए हुए हैं, उसका सारा पैसा उसी में लगा हुआ है, शायद इसलिए वो उदास है। तो इस तरह से उसके दोस्त उसे खुश करने की कोशिश करते हैं। एंटोनियो का जवाब होता है, बिलीव मी नोट आई थैंक माई फॉर्चून फॉर इट। मुझे नहीं लगता कि मेरा जो फॉर्चून है, यानी मेरा जो पैसा है, वो इसके लिए उत्तरदायी है। माई वेंचर्स आर नॉट इन वन बॉटम ट्रस्टेड, मेरे वेंचर्स यानी मेरा सारा माल एक ही जगह पर नहीं है। नोर टू वन प्लेस नोर इन माई होल एस्टेट अपॉन द फॉर्चून ऑफ दिस प्रेजेंट ईयर। मेरी पूरी एस्टेट एक ही जगह पर नहीं है और ना ही इस साल मेरा सारा फॉर्चून उसमें है। इसका मतलब है इस उदासी का कारण कम से कम पैसा नहीं है। देयर फोर माई मर्चेंडाइज मेक मी नोट सैड, उसके जो व्यापार है वो उसे की उदासी का कारण नहीं है। सोलेनियो एक अच्छे दोस्त की तरह से दूसरा कारण बताता है, देन यू आर इन लव, तो इसका मतलब तुम्हें प्यार हो गया है। और एंटोनियो इस बात को भी नकार देता है। सोलेनियो, नॉट इन लव नीदर देन लेट अस से यू आर सैड बिकॉज यू आर नॉट मैरी। तब तो एक ही कारण है कि तुम इसलिए उदास हो क्योंकि तुम खुश नहीं हो। तो इस तरह से हल्की फुल्की बातचीत होती है यहाँ पर, और हमें ये पता चलता है कि एंटोनियो उदास है। और दूसरी चीज़ हमें ये पता चलती है कि एंटोनियो की उदासी का जो कारण है वो उसके जहाज नहीं है और उसे खुद भी इसके बारे में नहीं पता।
इसी बीच यहाँ पर बसेनियो, लोरेंजो और ग्रेशियानो तीनों एंटर करते हैं। सेलेनियो, हेयर कम्स बसेनियो योर मोस्ट नोबल किंग्समैन। तो बसेनियो को क्या कहता है, मोस्ट नोबल किंग्समैन, यानी उसका जो सबसे चहिता, जो उसका दोस्त है। ग्रेशियानो एंड लोरेंजो फेयर यी वेल, तो अब वो आ गए हैं इसलिए सेलेनियो वहाँ से जाना चाहता है। सेलेरिनो कहता, आई वुड हैव स्टेड टिल आई हैड मेड यू मैरी इफ़ वर्दियर फ्रेंड हैड नॉट प्रिवेंटेड मी, कि मैं यहाँ पर तब तक रुकता जब तक मैं आपको खुश नहीं कर देता, लेकिन अब उसे वहाँ से जाना पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा वर्दी फ्रेंड यानी ग्रेशियानो, बोसेनियो और लोरेंजो वहाँ पर आ चुके हैं। एंटोनियो, योर वर्थ इज़ वेरी डियर इन माई रिगार्ड, वो कहता है कि तुम भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, तुम भी मेरे वर्दी फ्रेंड हो। आई टेक इट योर ओन बिजनेस कॉल ऑन यू एंड यू एम्ब्रेस इट इज़ ओकेजन टू डिपार्ट, और अब उसे वहाँ से जाना है। सेलेरिनो और सेलेनियो वहाँ से चले जाते हैं। लोरेंजो भी वहाँ से जाना चाहता है और वो डिनर टाइम पर मिलने की बात करते हैं। कहता, आई प्रे यू हैव इन माइंड वेयर वी मस्ट मीट, तुम्हें पता है हमें कहाँ मिलना है। और बोसेनियो कहता, आई विल नॉट फेल यू, मैं वहाँ पर पहुँच जाऊँगा। ग्रेशियानो, यू लुक नॉट वेल सिग्नियर एंटोनियो, यू हैव टू मच रिस्पेक्ट अपॉन द वर्ड दे लूज इट दैट डू बाय इट विद मच केयर, यानी आप दुनिया के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं और जो बहुत ज़्यादा केयर करते हैं वो अक्सर इसे आप खो देते हैं। बिलीव मी यू आर मार्वलसली चेंज, वो कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा बदल गए हो। एंटोनियो, आई होल्ड द वर्ड बट एज द वर्ड ग्रेशियानो स्टेज वेयर एवरी मैन मस्ट प्ले ए पार्ट एंड माइन ए सैड वन, ये लाइनें हम शेक्सपियर की पहले भी सुन चुके हैं एज यू लाइक इट में, जब वो कहता है कि दुनिया एक स्टेज की तरह से है और हम लोग वहाँ पर कैरेक्टर प्ले करते हैं। यहाँ पर एंटोनियो कहता है कि मैं इस दुनिया को एक स्टेज समझता हूँ जहाँ पर मेरे हिस्से में जो पार्ट आया है प्ले करने का वो कैसा है, सैड वन, यानी कि मुझे उदास कैरेक्टर मिला है और इसलिए शायद वो उदास रहता है। ग्रेशियानो, लेट मी प्ले द फूल विद मिर्थ एंड लाफ्टर, तो वो वहाँ पर फूल कैरेक्टर होते थे शेक्सपियर के प्लेज में जो कि सबको हंसाने का काम करते हैं, तो यहाँ पर ग्रेशियानो फूल बनना चाहता है ताकि वो हंसी दिला सके दूसरे कैरेक्टर्स को। इस तरह से बहुत लंबी स्पीच है ग्रेशियानो की, लेकिन उसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पर लोरेंजो भी कहता है, वेल वी विल लीव यू टिल डिनर टाइम, आई मस्ट बी वन ऑफ दी सेम डम वाइज मैन, हम मैं डिनर टाइम के लिए उसे वहाँ से वहाँ पर जाना चाहता है वरना वो डम वाइज मैन बन जाएगा, यानी कि जो ग्रेशियानो है वो किसी और के बोलने की टाइम ही नहीं आने देगा और वो एक बुद्धिमान लेकिन गूंगा आदमी बनकर रह जाएगा। फॉर ग्रेशियानो नेवर लेट्स मी स्पीक, क्योंकि ग्रेशियानो मुझे कभी कुछ बोलने ही नहीं देगा। ग्रेशियानो, वेल कीप माई कंपनी फॉर 2 ईयर्स मोर, दाउ शैल नॉट नो द साउंड ऑफ दाइन ओन लैंग्वेज। ग्रेशियानो भी अपनी इस क्वालिटी के बारे में बताता है कि अगर तुम 2 साल मेरे साथ रह जाओ तो तुम अपनी ही आवाज़ को पहचानना भूल जाओगे, यानी बहुत ज़्यादा बात करता है। एंटोनियो, फेयर यू वेल, आई विल ग्रो ए टॉकर फॉर दिस ग्रेट, कि मैं भी टॉकर बन जाऊँगा, मैं भी बातें करने लगूँगा। उस तरह वहाँ पर ग्रेशियानो और लोरेंजो दोनों चले जाते हैं। अब हमारे यहाँ पर स्टेज पर रह जाते हैं एंटोनियो और बोसेनियो और वो मेन स्टोरी के बारे में बातें करते हैं। एंटोनियो, इट इज़ दिस एनीथिंग नाउ, क्या अब कुछ और है। बोसेनियो, ग्रेशियानो स्पीक्स एन इन्फिनिटी ऑफ नथिंग मोर देन एनी मैन इन ऑल वेनिस, ग्रेशियानो इतना बातें करता है कि वेनिस के दूसरे सारे आदमी भी उसके सामने कम पड़ जाते हैं, लेकिन उसकी बात में रीज़न नहीं है, यानी कि सुनने लायक बात उसकी नहीं होती। लेकिन एंटोनियो उनके बारे में बात नहीं करना चाहता, वो कहता, वेल टेल मी नाउ व्हाट लेडी इज़ द सेम टू हुम यू सोर ए सीक्रेट पिलग्रिमेज दैट यू टुडे प्रोमिस टू टेल मी ऑफ, वो ग्रेशियानो के बारे में बात नहीं करना चाहता, वो एंटोनियो से जानना चाहता है उस लेडी के बारे में जिसके बारे में उसने बताने का प्रोमिस किया था। बोसेनियो, इट इज़ नॉट अननोन टू यू एंटोनियो, एंटोनियो ये बात तुमसे छुपी हुई नहीं है।
हाउ मच आई हैव डिसएबल्ड माइन एस्टेट बाय समथिंग शोइंग ए मोर स्वेलिंग पोर्ट, कि किस तरह से मैंने अपनी एस्टेट को डिसएबल कर दिया, यानी जितने भी मेरे पास फॉर्चून थे वो सब मैंने उड़ा दिए हैं, और अब उसकी हालत कैसी, एक स्वेलिंग पोर्ट की तरह से, यानी सिर्फ दिखावे का रह गया है, उसके पास वास्तव में अब पैसे नहीं हैं। देन माई फेंट मीन्स, उसके मीन्स कैसे हैं, फेंट यानी बहुत कम पैसा उसके पास बचा है, वुड ग्रांट कंटिन्यूस, कि उसके अब वो अपना दिखावा भी कंटिन्यू नहीं कर सकता। इस तरह से इन लाइनों में वो अपनी आदत के बारे में बताता है, किस तरह से उसने अपने सारे पैसे ख़त्म कर दिए। एंटोनियो, आई प्रे यू गुड बसेनियो, लेट मी नो इट एंड इफ इट स्टैंड एज यू योर सेल्फ स्टिल डू विद इन द आई ऑफ ओनर बी अश्योर्ड। एंटोनियो उससे असली बात पूछना चाहता है कि वो अब क्या चाहता है, और यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है ये एंटोनियो की, जब वो कहता है माई पर्स माई पर्सन माई एक्सट्रीमेस्ट मीन्स लाई ऑल अनलॉक टू योर ओकेजन, मेरा पर्स माई पर्सन और मेरे जितने भी मीन्स हैं वो सब तुम्हारे लिए अनलॉक्ड हैं, यानी तुम जिस समय चाहो मेरे पर्स को यानी मेरे पैसे को, मेरे पर्सन को यानी मेरे क्रेडिट को, और जो कुछ भी मेरे पास है उसे यूज़ कर सकते हो। ये एक ट्रू फ्रेंड होने की निशानी है, यानी उससे कुछ नहीं छुपाता, वो हमेशा उसकी हेल्प करने के लिए तैयार रहता है। तो इस तरह से ये लाइन हमें बताती है कि कितना अच्छा दोस्त है वो बसेनियो का। बसेनियो अपने बारे में बताता है, इन माई स्कूल डेज व्हेन आई हैड लॉस्ट वन शेफ्ट आई शूट हिज फेलो ऑफ, जब मेरा एक तीर निशाने पर नहीं लगता था तो मैं दूसरा तीर मारता था, यानी कि आदत कैसी है, जब एक बार कोई काम नहीं बनता तो दोबारा उसे वही काम करना होता था, यानी कि कभी भी वो अपने पैसे दूसरी बार डुबोने से नहीं चूकता था। इस तरह से वो सारे पैसे अपने ख़त्म कर लेता है। एंटोनियो, यू नो मी वेल एंड हेयर इन स्पेंड बट टाइम टू विंड अबाउट माई लव विद सरकमस्टांसिस, तुम मेरे बारे में बहुत अच्छे से जानते हो, चाहे जो भी परिस्थिति हो वो उसकी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। एंड आउट ऑफ डाउट डू यू डू मी नाउ मोर रोंग इन मेकिंग क्वेश्चन ऑफ माई अटर मोस्ट, अब तुम सवाल करके मेरे साथ गलत कर रहे हो, यानी जो भी तुम्हें कहना है वो तुम साफ शब्दों में बोल सकते हो, देयर फोर स्पीक, इसलिए बताओ। बसेनियो अब सही बात पर आता है कि उसके वो क्या चाहिए और वहाँ पर वो क्यों आया है। इन बेलमोंट इज़ ए लेडी रिचली लेफ्ट, बेलमोंट एक शहर का नाम है जहाँ पर एक रिच लेडी रहती है, लेफ्ट का मतलब है यहाँ पर उसके पिता की डेथ हो चुकी है, एंड शी इज़ फेयर, वो बहुत फेयर है, फेयरर देन दैट वर्ड, उस वर्ड से भी ज़्यादा फेयर, ऑफ वंडरस वर्चूज़, और बहुत ही वर्चूज़ हैं उसके अंदर, यानी सिर्फ दिखने में ही खूबसूरत नहीं है बल्कि उसके अंदर और भी बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं। तो यहाँ पर हमें पोर्शिया के कैरेक्टर के बारे में पता चलता है। सम टाइम फ्रॉम हर आइज़ आई डिड रिसीव फेयर स्पीचलेस मैसेजेस, और कभी कभी उसकी आंखों में मैंने मैसेज देखे हैं लेकिन वो कैसे हैं, स्पीचलेस, खुलकर नहीं कहा लेकिन उसके आँखों से उसे पता चलता है कि वो भी उसे पसंद करती है। हर नेम इज़ पोर्शिया, नथिंग अंडर वैल्यू टू कैटोज ड्योटर ब्रूटस पोर्शिया, और वो किसी तरह से कैटो की ड्योटर जो ब्रूटस की पोर्शिया थी जूलियस सीजर में उससे कम नहीं है। नोर इज़ द वाइड वर्ल्ड इग्नोरेंट ऑफ हर वर्थ फॉर द फोर विंड्स ब्लो इन फ्रॉम एवरी कोस्ट रिनाउंड सूटर्स एंड हर सनी लोक्स, रिनाउंड सूटर्स यानी जाने पहचाने लोग जो अमीर लोग हैं वो उससे शादी करने के लिए चारों दिशाओं से आ रहे हैं, यानी कि पूरे वर्ल्ड उसकी वर्ड से इग्नोरेंट नहीं है, यानी पूरी दुनिया में उसकी शोहरत फैली हुई है कि वो कितनी खूबसूरत है और कितनी वर्चुअस है। ओ माई एंटोनियो, हैड आई बट द मीन्स टू होल्ड ए राइवल प्लेस विद वन ऑफ देम, I had a mind presage, let me such thrift that I should question less be fortunate. इसलिए एंटोनियो से कहता है कि काश मेरे पास वो मीन्स होते कि मैं उन सब के साथ जो रिनाउंड सूटर्स आए हुए हैं हर दिशा से पोर्शिया से शादी करने के लिए, उनके साथ वो कम्पीट कर पाए, यानी उन्हीं के जैसी शान शौकत दिखा पाए, महंगे गिफ्ट लेकर जा पाए,
और उसे ऐसे लग रहा है जैसे वो फॉर्चुनेट हो सकता है, यानी शायद वो पोर्शिया से शादी कर सकता है। एंटोनियो, दाउ नोएस्ट दैट ऑल माई फॉर्चून आर एट सी, तुम जानते हो मेरे सारा फॉर्चून, यानी कि जो भी पैसा है वो इस समय समुद्र पर है, यानी जहाज में है। नीदर हैव आई मनी नोर कमोडिटी, ना तो मेरे पास पैसे हैं और ना ही सामान है, टू रेज ए प्रेजेंट सम कि मैं ये पैसे तुम्हें दे पाऊँ। देखो, इससे पहले उसने अपने दोस्त जो सेलेनियो से कहा था कि मेरा मेरा सारा पैसा एक बॉटम में नहीं है और इसके लिए मेरी जो फॉर्चून जिम्मेदार नहीं है, लेकिन यहाँ पर वो बसेनियो को बता रहा है कि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो इस समय बसेनियो की हेल्प कर सके। देयरफॉर गो फोर्थ ट्राई व्हाट माई क्रेडिट कैन इन वेनिस डू, लेकिन वो पैसे से मना भी नहीं करता, इसलिए कहता है कि मेरे क्रेडिट पर वेनिस में अगर कहीं भी तुम्हें पैसे मिल सकें तो तुम जाकर उससे वहाँ पर पैसे ले सकते हो। दैट शैल बी रैग्ड इवन टू द अटरमोस्ट टू फर्निश दी टू बेलमोंट टू फेयर पोर्शिया, ताकि वो फेयर पोर्शिया के पास बेलमोंट जा सके उससे शादी करने के लिए। गो प्रेजेंटली इंक्वायर एंड सो विल आई वेयर मनी इज एंड आई नो क्वेश्चन मेक, मैं तुमसे कोई सवाल नहीं करूँगा, तुम जिससे चाहे पैसे उधार ले सकते हो, यानी किसी भी रेट और इंटरेस्ट पर पैसे ले सकते हो, उससे वो कोई सवाल नहीं करेगा। टू हैव इट ऑफ माई ट्रस्ट एंड ऑफ माई सेक, मेरे ट्रस्ट पर यानी मेरे क्रेडिट पर मेरे लिए तुम वो पैसे उधार ले सकते हो, और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा एक्ट वन का सीन वन ख़त्म होता है, और यहाँ पर हमें कैरेक्टर्स के बारे में पता चलता है, हमें एंटोनियो के बारे में पता चलता है कि वो कितना अच्छा इंसान है, कितना अच्छा दोस्त है, हमेशा हेल्प के लिए तैयार रहता है, लेकिन उदासी उसकी सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक है। हमें यहाँ पर बसेनियो के बारे में पता चलता है कि उसे पोर्शिया से शादी करनी थी और उसके लिए उसे पैसे चाहिए थे। पोर्शिया के बारे में पता चलता है कि वो बहुत खूबसूरत है, बहुत वर्चुअस है, और उससे शादी करने के लिए हर दिशा से लोग आ रहे थे। तो यहाँ पर हमारा एक्ट वन का सीन वन बहुत इम्पोर्टेंट है और हमें बहुत सारी जानकारी दे देता है।